बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस की जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा सकती है। फिल्म किक में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। सुनने में आया है कि करण जौहर ने अपनी अगली फिल्म शुद्धि के लिए जैकलीन से संपर्क किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट नजर आ सकती है। सूत्रों का कहना है कि करण उन्हें फिल्म में साइन करना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पार्टी में जैकलीन के साथ उनकी डेट्स को लेकर बात भी की थी। जैकलीन फिलहाल अपनी डेट्स निकालने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि काफी समय से चर्चाओं में छाई ये फिल्म अमीश की मशहूर किताब इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पर आधारित है। पहले इस फिल्म में लीड रोल के लिए ऋतिक रोशन और करीना कपूर को साइन करने की खबरें आई थीं, लेकिन बाद में दोनों ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद ये फिल्म सलमान की झोली में आ गई। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।